तो कैसे हैं आप लोग, आई होप कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आरोग्य सेतु एप्लीकेशन के बारे में, जिसे अपडेट करने के बाद कुछ रेड कलर का अलर्ट्स का सिंबल आया, जिसकी वजह से लोग डर रहे हैं कि ये क्या ऑप्शन है और इससे क्या होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये इस तरीके का रेड कलर अलर्ट का सिंबल है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इसका मतलब क्या है, ये सरकार ने क्यों लाया है इस एप्लीकेशन में अपडेट होने के बाद। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं आरोग्य एप्लीकेशन है क्या, अगर आपको नहीं पता है ये किस तरीके से काम करती है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए इस पर एक पूरा वीडियो बना दूंगा। और मैं आपको यहाँ छोटी सी हिंट देता हूँ, ये आरोग्य एप्लीकेशन है क्या और क्या काम करती है। ये आरोग्य एप्लीकेशन अगर आप अपने फोन में डाउनलोड करते हो, डाउनलोड करने के बाद आप कहीं भी जाते हो, तो आपके आसपास जो कोरोना पॉजिटिव होगा मरीज, ये आपको अलर्ट कर देगा कि आप कोरोना पॉजिटिव के पास खड़े हो या आपके आसपास कोई कोरोना पॉजिटिव है। इस एप्लीकेशन का ये यूजफुल है, जिसके लिए हर कर्मचारी, हर मतलब जो रोजमर्रा की जिंदगी में अब भी अपनी ड्यूटी को कर रहे हैं, उनके लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है। और आप भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे तो कोई बात नहीं है, आप भी इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए फिर बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल पे कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी सबसे पहले। और आप जिस भी वीडियो को देख रहे हो, उस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, या आप कोई हमसे नेक्स्ट वीडियो जिस टॉपिक पर चाहते हो तो उस टॉपिक पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपनी एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को। आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को ऑन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जो कि पहले नहीं आता था। यहाँ पर अपडेट करने के बाद जो दो नए ऑप्शन मिले हैं, यहाँ पर मिले हैं 16% ब्लूटूथ सक्रिय समय और 16% GPS सक्रिय समय। मतलब इसका कहने का मतलब है कि ये जो एप्लीकेशन है ना, ये ब्लूटूथ और GPS की मदद से ही काम करती है। ये अगर ब्लूटूथ और GPS आपके फ़ोन में ऑन है तभी ये आपको बता पाएगी कि आप कोरोना पॉजिटिव के पास हो या नहीं हो। तो अगर आप कभी भी आप देखिए ब्लूटूथ अगर आप बंद कर देंगे अपना या GPS बंद कर देंगे, तो ये आपको एक नोटिफिकेशन भेज देगा, प्लीज़ टर्न ऑन योर ब्लूटूथ एंड GPS, बिकॉज ये इसी से काम करता है, ब्लूटूथ से ही ट्रैक करता है और GPS से ही ट्रैक करता है कि आपके पास कोई कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पर। और नीचे आएंगे तो इस समय आपके पड़ोस में मैं देख सकता हूँ, मेरे 1 किलोमीटर के क्षेत्र में 2,065 लोगों ने इसको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रखा है, जिसमें से 35 लोगों का मतलब कोरोना पॉजिटिव टेस्ट हुआ है और जिसमें से एक अस्वस्थ पाया गया है मेरे 1 किलोमीटर के दायरे में। यहाँ पर ये मेरे को पूरी जानकारी दे रहा है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन और मिल जाते हैं, यहाँ कोविड अपडेट्स मिल जाता है, जहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश की बिल्कुल 1 घंटे 2 मिनट की, यहाँ पर 4 मई तक के जितने भी रिजल्ट हैं वो आप देख सकते हैं। कुल संक्रमित 2,645 हैं, स्वस्थ 754 हैं, तक 43 है। पूरे संपूर्ण भारत में अगर देखा जाए तो 4,042,533 केस हैं, जिसमें स्वस्थ 11,707 हैं और मृतक 1,373 हैं। यहाँ पर ई पास का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपको ई पास से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए या बनवाना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ अगर हम बात करते हैं तो अब बात करते हैं हम यहाँ रेड अलर्ट की। ये जो रेड अलर्ट का ऑप्शन आ रहा है, इसका क्या मतलब है और इसका क्या यूज़ है, मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब यह है, आपका डाटा हमेशा आपके फ़ोन पर सेव होता है, इससे सुरक्षित सरकारी सर्वर पर शेयर करें। अगर आप टेस्टिंग के लिए सैंपल कलेक्ट हो गया, यानी कि आपके अंदर थोड़े बहुत सिम्टम्स हैं, आपको लगता है कि आप कोरोना पॉजिटिव कोरोना है आपके अंदर, तो आप यहाँ पर फर्स्ट वाले पर क्लिक करके कंफर्म करके आप एक डॉक्टर की टीम बुला सकते हो, जिससे आपका जांच होगा आप नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं। आपको थोड़ा बहुत भी आपको लगता है तो ये आपके लिए ऑप्शन है। और यहाँ पर आपको लगता है कि आप COVID-19 का टेस्ट पॉजिटिव है, मतलब आप पॉजिटिव मरीज हैं बिल्कुल, आपके अंदर सारे सिम्टम्स हैं, तो आप यहाँ से क्लिक करके उनको बता सकते हैं कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, जिससे जो कि सरकार होगी वो आपके घर पे टीम भेजेगी और आपको आइसोलेशन के लिए 14 दिन के लिए भेज दिया जाएगा, आपको मतलब आपका इलाज होगा। इस तरीके से आपको अपना डाटा जो है शेयर करना है सरकार को। यहाँ पर आप जैसे किसी भी ऑप्शन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की मदद करने के लिए ब्लूटूथ और GPS के माध्यम से कैप्चर किया गया आपका संपर्क डाटा को भारत सरकार के साथ शेयर किया जाएगा। अगर आपको लगता है आप पॉजिटिव हैं तो आप यहाँ से कन्फर्म करके आगे की डिटेल्स को भर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आप ना टेस्टिंग के लिए आपका सैंपल कलेक्ट हुआ है ना ही आप COVID-19 के मरीज हो, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इसको सिंपली से कट कर देना। आपको लगता है कि आप स्वस्थ हैं तो आपको इस ऑप्शन से कोई मतलब नहीं होने वाला है यहाँ पर, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको इसी तरीके से इस एप्लीकेशन का यूज़ करना है और आपके आसपास जो भी कोई कोरोना मरीज होगा ये आपको तुरंत अलर्ट कर देगा। तो दोस्तों, इसमें और भी अपडेट आगे आएंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।